हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नेट एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में आप 2016 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची दी हुई है, अध्यापक का विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क और कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। इसमें बताने कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। ये सभी फैक्टर टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना और अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। अगर देखा जाए तो जो टीचिंग एड है उसका इन सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो विद्यार्थियों का ध्यान भी आकर्षित करती है, अनुशासनहीनता की समस्या को भी कम करती है कहीं ना कहीं, और उसका अधिगम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें से आपको इसमें जो बेस्ट आंसर है वो देना था, तो वो होगा सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। क्योंकि जो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण है, जो टीचिंग एड्स हैं, उनका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि कैसे जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, कैसे उनके जो अधिगम परिणाम है उनको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यताओं को बढ़ावा देना है। तो ये करेक्ट है, और तर्क दिया हुआ है, इन योग्यताओं से कार्यस्थापन सुनिश्चित होता है। ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सेट दिए हुए हैं। एक सेट है उसमें मूल्यांकन प्रणाली दी हुई है, और जो दूसरा सेट है उसमें मूल्यांकन प्रणाली में किसका यूज किया जाता है वो दिया हुआ है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं इनका यूज होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन है, इसमें अधिगम, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण किया जाता है। औसत और व्यापक मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यूस एंड कंपेरिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें क्या होता है, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। और मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण होते हैं, इसमें किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या की जाती है। इसमें क्या, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। तो इसके लिए सर्वोत्तम होगी कार्योत्तर पद्धति। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, या अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। कि शोध करने के लिए जो विकल्प दिए हैं इनमें से सबसे पहले रिसर्च डिजाइन है वो ही तैयार किया जाता है, उसके बाद में हाइपोथेसिस बनाई जाती है, प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, और ये जो प्रदत्त विश्लेषण की प्रक्रिया है यानी डाटा एनालिसिस है, ये इन सभी में से सबसे बाद में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए। नेक्स्ट है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध पत्र या लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन,
शोध के लघु शोध प्रबंध में कार्यशाला या सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शोध के लघु शोध प्रबंध में। ये शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप शोध के लघु शोध प्रबंध की तरह ही होता है, क्योंकि यह विस्तृत शोध का एक सार होता है। अन्य जो विकल्प है बी और डी, इनका शोध के प्रारूप से कोई संबंध ही नहीं है। और जो विकल्प ए है वो शोध पत्र शोध प्रारूप के पूर्व की एक परिपाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। गुणात्मक शोध की परिकल्पना है ये सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक एडमंड हुसैल ने 1913 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी में की थी, जिसमें कहा गया था कि गुणात्मक शोध एक ऐसे विज्ञान की कल्पना करता है जो पूरी तरह से पूर्वाग्रस्त मुक्त हो, अर्थात इसमें सभी प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों और पूर्व मान्यताओं को छोड़कर अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है, उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है, शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं से के आचरण का परीक्षण किया जाता है, अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को अवर्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है, और नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो जिन कथनों का शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो है 2, 4 और 6, उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है, और नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशुपालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशुपालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है, नल हाइपोथीसिस है वो बनाई जाती है। तो उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? इसमें ये चार निर्णय दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा सही है वो है बी, शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय परियोजना शिशुपालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है में उपलब्ध साक्ष्यों पर परिकल्पना को 0.01 की सार्थकता प्राप्त हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस परियोजना विषय में थोड़ी बहुत सार्थकता है, इसलिए इस परियोजना को स्वीकार किया जाएगा और इससे संबंधित शोध प्रक्रियाओं का एक दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 11 से और 16 तक जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप पैराग्राफ को पढ़ के और खुद इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन कम्युनिकेशन से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? तो वो होगी क्षितिज संप्रेषण। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय
अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। सानिध्य से बचना, वाक् स्वराघात परिवर्तन, पुनरावर्ती विराम, स्थिर भंगिमा। इसका करेक्ट आंसर है बी, वाक् स्वराघात परिवर्तन या वाक् मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी सम्प्रेषण में अवरोधक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्प्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन है वो सानिध्य, उपयोगिता और आचार व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। जो आचार व्यवहार है वो व्यक्ति के रहने के स्तर से संबंधित होता है, कि जो व्यक्ति है वो अकेले रहना पसंद करता है या समूह में रहना पसंद करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण और प्राधिकारवादी होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। नेक्स्ट है, प्रत्येक समुपदेशक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रत्याशित उत्तेजना। नेक्स्ट रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कतिपय कूट में सेलेक्शन का कूट QCJCARGML है, तो अमेरिकन का कूट होगा। तो आप इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, YKCPGAYLQ, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, श्रृंखला 3, 11, 23, 39, 59, तो जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या होगी ये बताना है। तो ये जो सीरीज दी हुई है इसमें 3 और 11 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 11 और 23 के बीच में 12 का, 23 और 39 के बीच में 16 का, लेकिन फिर जब दोबारा देखते बीच में 8 और 12 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 12 और 16 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, तो इससे एक पैटर्न है वो समझ में आ जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट संख्या होगी वो होगी 83। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए से बी के 2 रेल टिकटों और शहर ए से सी के 3 रेल टिकटों की कीमत 177 रुपये है, तथा शहर ए से बी के 3 टिकटों और शहर ए से सी के 2 टिकटों की कीमत 173 है। शहर ए से शहर बी के लिए किराया होगा ये बताना है। तो इसमें मान लिया कि शहर ए से शहर बी के लिए किराया है वो है X रुपये, और शहर ए से और शहर सी के लिए किराया है वो है Y रुपये। अब पर्सन के अनुसार ए से बी के 2 रेल टिकटों यानी कि 2X, शहर ए से सी के 3 रेल टिकटों यानी 3Y, इनकी कीमत कितनी दी हुई है 177 रुपये। ये क्या हो गया 2X+3Y, ये कितना दिया हुआ है, ये हो गया 2X+3Y=, यहाँ पे 177 होना चाहिए पर्सन के अकॉर्डिंग, तो लेकिन या तो यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे 117 लिखा हुआ है, तो उस जो क्वेश्चन है उसी में या फिर 117 है वो होना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, जो कि क्या दिया हुआ है, ए से बी के 3 टिकटों और शहर ए से सी के 2 टिकटों की कीमत 173 रुपये है। तो ए से बी के 3 टिकट ये क्या हो गया 3X+, ए से सी के 2 टिकटों की कीमत +2Y, ये हो गया =173। यहाँ से 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, और इन इक्वेशन को सोल्व करके हम जो ए से और बी के लिए किराया है वो निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन
सेकंड है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास दो और नई इक्वेशन है वो आ गई है, और उनको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 33। तो ये ए से बी के लिए किराया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ मुड़ कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है, वह इस समय अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 5 मीटर। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्रैंड डॉटर या पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सीरीज दी हुई है, ए बी ई डी सी एफ जी एच आई, तो पूछा है कि जो नेक्स्ट है वो क्या होगा। तो इस सीरीज में आप देखते हो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों में दो इस प्रकार संबंधित है कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं, वे अभिकथन कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिए। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती है, कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है, ये एक दूसरे के नकारात्मक कथन है कि सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह अभिकथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। इसमें हमने 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप एच टेट सी टेट नेट या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।